मन लगाएं कि जिससे भगवान आपको अपना नजदीकी बना ले। और फिर वो कहते हैं इस जन्म की भक्ति अनेक जन्मों की भक्ति का फल होती है, इसलिए भगवान की भक्ति को औलाद से भी ज़्यादा प्रेम से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सोच यह है कि हमारे ये जन्म के जो संबंध हैं, हमारे परिवार, माता पिता, बाल बच्चे वगैरह, ये संबंध एक जन्म के लिए हैं या वो जो सही नहीं है, परंतु जो भगवान से हमारा जो संबंध है अनादि जन्मों से है और बहुत जन्मों की भक्ति करके हमको जो भक्ति प्राप्त हुई है, भगवान से संबंध प्राप्त हुआ है, वो ये जन्म के संबंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भगवान की भक्ति को औलाद से भी ज़्यादा प्रेम से सुरक्षित रखना चाहिए। और इसलिए गुरु जी लिखते हैं कि ये कल्कि भगवान ही थे जिन्होंने अपने पहले जन्मों में ध्रुव, प्रह्लाद, अम्बरीश, हनुमान जी, सबरी, मीरा आदि को अपनी भक्ति की अमर करने वाली धारा में बहा दिया। और ये जन्म के हमारे जो समस्याओं के बारे में गुरु जी लिखते हैं कि किस प्रकार भक्ति से उनका निवारण होता है, तो कहते हैं भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में लगा हुआ रहता है उसके खोटे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। ये जो ग्रह हैं राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध वगैरह झुक झुक कर सलाम करते हैं, मरने के बाद यमराज आरती उतारते हैं, ऐसा प्यारा भक्ति का मार्ग है। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने क्या किया, वो लिखते हैं मैंने अपने जीवन में बढ़िया ध्येय कल्कि नाम व कल्कि भक्ति को माना। सबसे पहला ध्येय मैंने माना कल्कि भक्ति को, उससे उतरकर विद्या और उससे उतरकर शारीरिक उन्नति, ये तीनों सब साथ चलते रहे। और सबसे ऊपर राजराजेश्वर श्री कल्कि भगवान महाराज का ब्रह्मानंददायक म्लेच्छनिधनकारी नाम। तीन शब्दों का स्मरण करके पहले भजन पे जाते हैं, फिर उसके बाद फिर पूर्व लक्ष्मीनारायण जी के और इसके बारे में जो शब्द हैं वो देखते हैं। अपने स्वामी रघुनाथ जी की कल्कि रूप से आने की नूतन आशा व आज्ञा, हनुमान जी का अवतार व श्री बालमुकुंद जी महाराज कल्कि कल्कि की ध्वनि में बड़ी तन्मयता से लग गए। कल्कि नाम को हाथी से लगाकर सेवे सेवक भाव से कल्कि भगवान को ही परम धन मानते हुए कल्कि की भक्ति का प्रचार करने लगे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई मेरी सुन रहा है कि नहीं, मान रहा है कि नहीं। अपने विश्वास, अपनी लगन से आप बढ़ते हुए वह तरन तारण अपने अगले जन्म के संस्कारी अंतरंग भक्तों को अपने साथ बढ़ाते चले गए। और कल्कि के पूजन, कल्कि के जप, कल्कि के हवन, कल्कि के कीर्तन उत्सव, कल्कि के ब्रह्मभूष भंडारे करते रहे। जो लोग सीधे सरल विश्वासी थे, जिनको कल्कि भगवान की लीला को जानने की जिज्ञासा लालसा थी, वे आगे बढ़ गए और भगवान का प्रेम, विश्वास, आश्रय, अदब, परवाह पा गए और निहाल हो गए। जो लोग विद्या, अभिमान, तर्क की जाल में बंधे रहे, वे अभी कहाँ करते रह गए और भगवान कल्कि की लीला प्रकट हुई। म्लेच्छ विध्वंस प्रारंभ हुआ, युद्ध पर युद्ध की काली घटाएं आसुरी दानवी संसार पर मंडराई, निराशा दूर हुई, भारत का भाग्य चमका, हिंदी राज्य भाषा हुई, अपमानित बपत दलित देश सर्व सम्मानित हुआ, सोमनाथ का 800 वर्ष टूटा मंदिर बना, अंग्रेज का थाना है तहसील अमदारी सिक्का हटा, भारत पर भारत का झंडा लहराया। बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय, आवेंगे सही प्रगटेंगे सही कल्कि भगवान खड़गधारी। अब आगे की लीला जो भाग्यवान भक्त होंगे वो आगे की लीला देखेंगे। जेल जीवन के पहले का जो प्रसंग जो गुरु जी ने लिखा, सुबह 4 बजे ही पुलिस ने घर घेर लिया, तलाशी ली, पकड़ कर ले गए। इष्ट देव श्री कल्कि भगवान को नमस्कार करके पुलिस के साथ चल दिया। सिविल लाइन के हवालात में पहुंचकर कल्कि भगवान से कहा, महाराज आपने अवतार लिया है भूमिका भार उतारने के लिए और हम लोग पकड़े जा रहे हैं लावारिसों की तरह। वहीं कहते कहते बैठे ही बैठे नींद का झोंका आया। अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे की बराबर की कद में अंगुष्ठ प्रमाण श्री गुरु महाराज की मूर्ति क्रोध में भरी हुई होठ फड़फड़ाती हुई बोली, भैया थोड़े दिन सबर करो, तहस नहस कर दूंगा। 2 दिन के उपरांत हवालात में ही स्वप्न देखा, एक विशालकाय ब्राह्मण चंदन लगाए मुझे गोदी में लिटाए मिठाइयां अपने हाथ से मुंह में खिला रहे हैं। ये दोनों स्वप्न मैंने अपने ऊपर कल्कि भगवान की कृपा से बहुत प्रसन्नता सूचक समझे। दूसरे दिन हवालात में ही पूरब के सिपाही जो मेरे मकान की तलाशी में भी आए थे बड़ी सहानुभूति दिखाई। बाजार से वही मिठाइयाँ जो स्वप्न में ब्राह्मण रूपी परब्रह्म के हाथ से खा चुका था लाकर मुझे दी। पहले इनकार किया,
बाद में स्वप्न का ख्याल आते ही शत्रु की जेल में मैंने यह शुभ शगुन समझकर ले ली, खा ली और 12 दिन बाद छूट गया। एक दिन रास्ता चलते चलते कल्कि भगवान से कहा, महाराज सारा संसार असुर भावपन है, सारा संसार मेरा विरोधी है, भारत की प्राचीनता की बेड़ियाँ ही मेरी बेड़ियाँ हैं, हिंदू धर्म का अपमान, भारत का अपमान ही मेरा अपमान है। भगवान ने मेरी सुननी, एक गुरुदास स्वामी बंगाली ब्राह्मण के लड़के में लाल मोहन कविराज की बैठक में आन विराजे। एक दिन पीताल दुसाला उड़े पीतल की बांसी हाथ में लिए खड़े थे, मेरे सामने पहुंचते ही प्रेम का समंदर मानो विलोरे ले रहा हो, बोले, आओ आओ परमहंस आओ, आज से मैंने तुम्हारा नाम परमानंद रखा, मैं ही तुम्हारा कल्कि हूँ। तुम मुझसे शक्ति मांग करते हो, मैं तुमको शक्ति दूंगा। तुम मुझसे कहा करते हो मैं अपने विचारों का अकेला हूँ, क्यों कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लोग जिधर बदमाशी कर रहे हैं उधर तुम मत देखना, मेरी तरफ निगाह दृष्टि रखो। और ये जो कल्कि भगवान ने आशा भरा संदेश दिया, मैं ही तुम्हारा कल्कि हूँ, जो तुम शक्ति मांगते हो मैं तुमको शक्ति दूंगा। और जो बालमुकुंद जी ने कहा, भैया थोड़े दिन सब्र करो, सब तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि आवेंगे सही प्रगटेंगे सही कल्कि भगवान खड़गधारी।